हमारे पास 1 लीटर का बॉटल, इसे अभी हम टेस्ट करेंगे इसे बाइक में डाल के। क्या है ये रॉयल एनफील्ड भाई, क्या है ये माइलेज? तो भाई मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमसे। व्हाट द फक इज दिस रॉयल एनफील्ड? ऑलराइट एवरीवन, आज भाई हम करने वाले एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि भाई हमारी गाड़ी माइलेज कितना देती है। तो आज भाई इस गाड़ी का हम करने वाले हैं माइलेज टेस्ट। और पहले बता दो, इस गाड़ी में लगा है भाई फुल सिस्टम स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मोटर टॉक का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा है, और भाई अपना परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग भी जो है ये भी इरेडियम वाला स्पार्क प्लग है। और तो भाई ये सारे चीज़ों के साथ अपनी बाइक कितना परफॉर्मेंस देती है, तो 1 लीटर बॉटल पे टेस्ट करेंगे माइलेज इसका कितना, इस बाइक का माइलेज आता है। तो अभी फिलहाल इस बॉटल, ये है हमारे पास 1 लीटर का बॉटल, इसे अभी हम टेस्ट करेंगे इसे बाइक में डाल के। और भाई अभी तो फिलहाल बाइक में पेट्रोल है, अभी थोड़ा सा पेट्रोल बचा है, जैसे कि यूसी गाड़ी है तो इसमें से सारा पेट्रोल नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा पेट्रोल इसमें अभी भी बचा हुआ है, तो पहले उसे खत्म कर लेते हैं और जहां पे फिर गाड़ी हमारी बंद होती है तो टेस्ट करते हैं भाई हमारी गाड़ी आखिर माइलेज देती कितना है। तो भाई अभी थोड़ा पेट्रोल तो इसमें बचा हुआ है, अराउंड 200-250 ml बचा हुआ है, तो फिलहाल पहले अभी इसको ख़त्म कर लेंगे और देखते हैं ये भाई 250 ml पेट्रोल जहाँ पे ख़त्म होता है फिर अपन डालेंगे अपना 1 लीटर की बॉटल जो हम लेके आए हैं। और फिर देखते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी में लग चुका है स्पार्क प्लग, वो भी परफॉर्मेंस स्पार्क प्लग है, और एयर फिल्टर भी भाई परफॉर्मेंस वाला है, और ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा है, तो सारी परफॉर्मेंस पार्ट लगने के बाद गाड़ी का माइलेज ड्रॉप कितना होता है और भाई गाड़ी कितना माइलेज देती है वो तो भाई आज पता चल ही जाएगा। तो पहले इसे ढाई जो बेचा कुचा पेट्रोल है पहले भाई इसे ख़त्म कर लेते हैं और फिर जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे रुक के अपना बॉटल डाल के फिर माइलेज टेस्ट करते हैं। इट्स ऑलराइट गाइस, अभी फाइनली इसका पेट्रोल हो चुका है ख़त्म भाई, 25 किलोमीटर आ गए घर से अराउंड, और अब जाके इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ है। ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो कितना भी सेल दे रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो EFI उड़ने का खतरा रहेगा। तो अभी भाई फिलहाल अभी आधा लीटर पेट्रोल डाल के टेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को पेट्रोल पंप ही अभी यहाँ दूर यहाँ आजू बाजू कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, तो अभी आधा लीटर पेट्रोल डाल के देखते हैं और जो भी होगा उसका ट्वाइस कर लेंगे तो हमें हमारा माइलेज मिल जाएगा। भाई अभी डालते हैं अपना आधा लीटर पेट्रोल, अराउंड 1 लीटर पेट्रोल है, और इसे आधी बॉटल डालते हैं और फिर चेक करते हैं माइलेज। ऑलराइट बॉयज, ये हो गया अराउंड अपनी आधी लीटर बॉटल कंप्लीट, आधा पेट्रोल रख लेते हैं अगर पेट्रोल पंप इन केस नहीं मिलता है तो। चलो फिर अब आधा लीटर पेट्रोल चला गया अंदर, अब करते हैं अपना माइलेज टेस्ट। ओके भाई, तो अराउंड आधा लीटर पेट्रोल हमने इसमें डाल दिया है, इसमें डिजिटल मीटर नहीं है तो अभी हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। समथिंग है 11,540, तो 11,540 किलोमीटर्स पे है, और अभी चेक करते हैं कि आधा लीटर पेट्रोल डालने के बाद ये कितना चलती है। तो चलो फिर स्विच करते हैं मोटर ब्लॉक पे। ओके बॉयज, तो अराउंड आधा लीटर पेट्रोल हमने इसमें डाला है, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट, मीटर देख लो 11,540.0। तो भाई अब चेक करते हैं माइलेज कितना देती है। ओके, तो पहले थोड़ा स्लो चलाएंगे 30-40, 10 किलोमीटर स्लो, 7 किलोमीटर स्लो चलाएंगे, 7 किलोमीटर मीडियम चलाएंगे और थोड़ा फास्ट भी चलाएंगे, तो इससे ओवरऑल माइलेज हमें मिल जाएगा क्या मिलता है। तो पहले 5 किलोमीटर अराउंड चला लेते हैं स्लो, और ये माइलेज टेस्ट हो रहा है परफॉर्मेंस पार्ट्स लगा के, तो गाड़ी में फुल्ली परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हुए हैं। और भाई माइलेज टेस्ट करने के बहाने भाई अच्छा राइड हो गया यार, आज अराउंड मतलब 40-50 किलोमीटर में घूम लिया माइलेज टेस्ट करने के चक्कर में। और मौसम भी भाई देख ही रहो, गर्मियों का सीजन है बट क्लाउडी वेदर हो रखा है, एकदम चिल ठंडी ठंडी हवा। ओके इज ऑल राइट, गाड़ी ने कंप्लीट कर लिया 7 किलोमीटर, 40 से हमने स्टार्ट किया था अभी हो चुके हैं 47 एज यू कैन सी, और अब थोड़ा सा इसे स्ट्रेच देते हैं मतलब 80 के ऊपर चलते हैं, थोड़ा स्पीड में लेते हैं और फिर और 7-8 किलोमीटर इसे स्पीड में चलाएंगे, तो थोड़ा मॉडरेट थोड़ा फास्ट, तो ओवरऑल जो स्पीड ओवरऑल जो माइलेज रहता है वो पता चल जाएगा। तो अभी इसे खींचते हैं 100-110।
भाई अभी भी गाड़ी चल ही रही है, अराउंड 10 किलोमीटर हो चुके हैं, 50 किलोमीटर हो गया, 40 से स्टार्ट किया था, 10 किलोमीटर ओवरऑल हो चुका है और गाड़ी अभी भी मक्खन चल रही है, अभी भी गाड़ी का पावर है। तो मेरे हिसाब से अराउंड आधे लीटर पे भी 15 से 18 का माइलेज तो मिल ही जाएगा, तो आप देख ही लेते हैं क्या मिलता है। क्या है ये रॉयल एनफील्ड भाई, क्या है ये माइलेज, तो भाई मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमसे भाई, क्या है ये, व्हाट द फक इज दिस रॉयल एनफील्ड, मतलब भाई 18 का माइलेज आधे लीटर पे अभी भी चले जा रही है, मतलब अराउंड 20 से 22 का माइलेज भाई, वो भी आधे लीटर पेट्रोल पे, समझ रहे हो, 40 से अराउंड 40 का माइलेज देगी ये अगर ये 20 कंप्लीट कर लेती है तो, और अभी भाई फुल पावर चले जा रही है। ओके भाई अब जा रहा है पावर, ये गया पावर, अब गया। ओके भाई अब गया पावर, ये गया पावर। ओके भाई अब नहीं चलेगी, और भाई हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद, और एज यू कैन सी ये देखो कितना भी सेल्फ दे रहे हैं तो भाई स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी हमारी गाड़ी चली है अराउंड 11,562 किलोमीटर, और भाई हमने स्टार्ट किया था 11,540 किलोमीटर पे, वो भी आधे लीटर पेट्रोल पे, तो भाई गाड़ी चली है अराउंड 22 किलोमीटर्स, और वो भी आधे लीटर पेट्रोल पे, मतलब एक लीटर पे समथिंग अराउंड गाड़ी माइलेज दे देगी 44 से 45 का। सर इतना सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद भी गाड़ी भाई 44 का माइलेज 45 का माइलेज दे रही है, वो भी अराउंड सारे परफॉर्मेंस पार्ट्स लगाने के बाद, और कंपनी क्लेम करती है कि गाड़ी देगी 30 से 37 का माइलेज, ऑनलाइन कंपनी ये क्लेम करती है। तो भाई परफॉर्मेंस पार्ट्स लगाने के बाद गाड़ी भाई समथिंग अराउंड 10 किलोमीटर ज़्यादा का माइलेज दे रही है, तो भाई अच्छी बात है ये। और भाई वीडियो पसंद आया यही था आज का वीडियो, और हमने भगाया भी नॉर्मल भी चलाया, भाई यही था हमारा आज का वीडियो, और अगर भाई ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। भाई देख ही रहो कितनी मेहनत लगी है, अराउंड 2 घंटे से घूम रहा हूँ मैं, अब जाके गाड़ी का माइलेज निकला है। रुको भाई अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तो आज जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आज है भाई 22nd of March, और भाई आज तुम्हारे भाई का बर्थडे, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द टाइम दिस इज सिंग साइनिंग ऑफ।